बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस बार 400 सीटों के पार का टारगेट लेकर चल रही है। यह तभी होगा जब पिछली बार से कम 48 सीट ज्यादा मिले। यह आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी एक साथ चार मोर्चों पर काम कर रही है। बीजेपी एक तरफ दलितों और ओबीसी वोटर्स के बीच पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो पूरे देश की आबादी का करीब 60% है, तो दूसरी तरफ वो मुस्लिम आउटरीच पर काम कर रही है। इसके जरिए बीजेपी पसमांदा मुसलमानों को साधना चाहती है, जो देश की आबादी का करीब 11.5% है। बीजेपी महिला वोटर्स को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। महिला वोटर इस देश की आबादी का करीब 50% है। ये पूरी तैयारी बीजेपी की है। आबादी और चुनावी असर के लिहाज से महिला सबसे बड़ा वोटर ग्रुप है, जिन्हें साधने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में जब बीजेपी के महिला मोर्चा की मीटिंग हुई तो उसमें चुनाव को ध्यान में रखकर कई बड़े फैसले किए गए। इस वक्त इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महिलाओं के दो बड़े अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है आने वाले दिनों में। जनवरी के अंत और फरवरी के शुरू में ये आयोजन होंगे। दो बड़े अधिवेशन महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर महाधिवेशन में 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होगा महिला महाधिवेशन, और महिला महाधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हो सकता है, और महिला महाधिवेशन में पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक शामिल होंगे। तो यह तैयारी बीजेपी की है महिला वोटरों को साधने की। एबीपी न्यूज में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे ने इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिला वोटर्स के मन की बात समझने, उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी प्लानिंग की है। हम इस प्लानिंग के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कुल वोटर करीब 94.5 करोड़ है। इनमें महिला वोटर्स की संख्या करीब 45.5 करोड़ है। यह आंकड़ा बड़े ध्यान से देखिए। बीजेपी की नजर इसी महिला शक्ति यानी आधी आबादी पर है। बीजेपी को पता है कि महिलाओं ने अगर समर्थन कर दिया तो उसका विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है। मोदी सरकार ऐसे फैसले लेती रही है जिसका फायदा सीधे महिलाओं को होता है, लेकिन क्या इसका फायदा अब चुनाव में बीजेपी को होगा, यह बड़ा सवाल है। महिला वोटर तो हमेशा ही मजबूत कड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी का फोकस महिलाओं पर काफ़ी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी महिलाओं का एक बड़ा वोट उनको मिलता था, और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए, वहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, बीजेपी के खिलाफ इस वक्त इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा हथियार है जाति जनगणना। बीजेपी को पता है कि मुद्दा आने वाले दिनों में उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वालों को इसकी काट महिला वोटर में दिखाई देती है। उन्हें लग रहा है कि अगर महिलाओं का समर्थन मिल जाए तो वो इस मुद्दे की हवा निकाल सकते हैं। महिलाओं को लेके वो हमेशा से सम्मान का एक स्तर तक ले जाने का प्रयास किए हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, और अब उनकी लखपति बहन योजना चालू हुई है जो हर राज्यों में वो महिलाओं को स्वावलंबन के साथ साथ स्टार्टअप में भी उनको प्रमुखता दे रहे हैं। तो महिला, एक बड़ा महिला वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि उन्हें मोदी के रूप में एक विश्वसनीय चेहरा सामने मिला हुआ है। देखिए, महिलाओं के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने हर राज्य में स्मार्ट विमेन कॉन्फ्रेंस भी प्लान किया है। इसके जरिए ऐसे फील्ड से जुड़ी महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश होगी जो सोशल है और लोगों से संपर्क में रहती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इन्हीं में शामिल हैं। अनेकों अनेक प्रोग्राम महिला मोर्चा करने वाला है, जो शुरुआत भी हो चुकी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कनेक्ट करना, एनजीओ के साथ कनेक्ट करना, जो विमेन ट्रेवलर्स हैं, जो सिंगल महिलाएं जो ट्रेवल करती हैं और जो ग्रुप में ट्रेवल करती हैं, वो सब महिलाओं तक पहुंच करना, जो महिलाएं ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं और कवित्री हैं, ऐसे हम कवित्री सम्मेलन भी कराएंगे और ऐसी महिलाओं तक भी पहुंच जो है करके
उनको 2024 के चुनाव के लिए अपने साथ जोड़ने का प्रयास होगा। देखिए, बीजेपी ने सत्ता मिलने के बाद महिलाओं के लिए तो काम किया ही, अपने चुनावी नफा नुकसान का भी पूरा ध्यान रखा है। पहले महिलाओं को उनके वोट की ताकत समझाई और अब उसी ताकत का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। महिला महाधिवेशन की तारीख अभी भले ही तय नहीं है, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि ये कार्यक्रम उसकी चुनावी उम्मीदों को परवान चढ़ा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।